हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक मीशो हॉल। तो मैंने कुछ रिसेंटली ही मीशो से कुछ परचेज़ किया है, तो मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास यहाँ पे पर्स है, कुछ क्लोथिंग आइटम है मैन और वुमेन दोनों की, ज्वेलरी पीसेज है। और या सो हॉल स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा या फिर 100 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा आपके फर्स्ट ऑर्डर पे। तो अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे ना तो आपको कुछ भी रिसीव नहीं होगा। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करोगे ना तो ही आपको 100 रुपीज़ का ऑफ या फिर 30 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। और मैं जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का कोड जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके कोड चेकआउट कर सको। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, तो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट है ये वाला क्लच, तो मैंने ये क्लच लिया है वहाँ से। तो ये मैं आपको इसके साथ साथ प्राइजेस भी बताती जा रही हूँ। तो ये रिटेल करता है 289 रुपीज़ का। तो ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा क्लच है। इसमें दो तीन कलर्स भी थे, सिल्वर, गोल्डन, रोज गोल्ड और ये ब्लैक वाला। तो मैंने ब्लैक वाला लिया है। तो ये काफ़ी, और इसके साथ है ना आपको ये स्लिंग भी मिलती है, तो आप आराम से इसको कैरी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये गोल्डन स्लिंग है ना तो काफ़ी अच्छा सा रॉयल सा लगता है। तो अंदर से कुछ इस तरीके से मैंने इसमें पैसे रखे, मैं कल ही इसको लेके बाहर गई थी। तो अंदर से इतनी चीज जगह है। यहाँ पे मैंने चार फोन इसमें रखे थे, आराम से आ गए थे। और एक चार्जर भी रखा था मेरा दूसरा फ़ोन, मेरी मॉम का फ़ोन और मेरे भाई का फ़ोन और एक उनका उसका चार्जर। तो मुझे ये वाला जो पर्स है ना वो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है। और इसकी जो फिनिशिंग है ना वो भी काफ़ी अच्छी है। और या मुझे ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी पसंद आया। अगर आप ट्राई करना चाहें ना तो आप ये वाला क्लच ट्राई कर सकते हैं, जस्ट 300 रुपीज़ का ही है। तो मुझे ये वाला पसंद आया। देन जो नेक्स्ट पीस है वो मैंने अपनी मम के लिए लिया है, मामा के लिए। तो मंगलसूत्र तो मामा वेयर करके गए, तो मेरे पास उनकी ईयरिंग्स है तो मैं वही दिखा दे रही हूँ। तो मैं इसकी जो पिक्चर होगी ना वो स्क्रीन पर डाल दूँगी तो आप देख लेना। तो कुछ इस तरीके की इसकी ईयरिंग्स है। सो ये काफ़ी अच्छी ईयरिंग्स है, वह तो मैं भी पहन सकती हूँ ये वाली ईयरिंग्स। सो ये काफ़ी ईयरिंग्स अच्छी है। और इसकी जो ये वाला जो सेट था ना मंगलसूत्र और ये ईयरिंग्स वाला, वो था 186 रुपीज़ का। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और नीचे पर्ल्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे पर्ल्स है। सेम इसकी जो इमेज है ना, मतलब जो मंगलसूत्र है ना मेन, उसमें भी नीचे पर्ल्स है, कुछ इस तरीके का है। तो ये मैंने मेरी मॉम के लिए लिया था, मैंने एक और मंगलसूत्र उनके लिए लिया है, उनको पसंद है, इसके लिए अलग अलग ट्राई करते रहते हैं। सो ये कुछ इस तरीके का मंगलसूत्र है। सो यहाँ पे आपको ब्लू, इसमें काफ़ी तरीके से आपको स्टोन्स मिलता है, मतलब कलर वाले। इसमें आपको बेबी पिंक मिलता है, देन येलो मिलता है, ग्रीन भी है। तो काफ़ी 15 जितने शेड्स है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, स्काई ब्लू, गोल्डन, ऑरेंज, ग्रीन, बहुत सारे तरीके के ये शेड्स आपको मिलते हैं। आपको जस्ट इसको है ना इन दोनों साइड्स में से आपको हुक लगा देना होता है। इसमें आपको हुक मिलते हैं इस तरीके से दोनों साइड, तो आपको जस्ट इसको निकाल के इसको हुक इन कर देना होता है। इसमें कोई भी ईयरिंग्स नहीं आती है साथ में। सो ये आप है ना आपके आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हैं, तो काफ़ी प्रिटी लगता है। और ये जस्ट रिटेल करता है 104 रुपीज़ का। तो काफ़ी अच्छा है, अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। मेरी मॉम को तो ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। और इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स हैं, आप देख सकते हैं। और ये है ना अच्छे से कवर होके मिलता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छे से आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो मैंने जो नेक्स्ट ज्वेलरी पीस लिया है अपने लिए वो है ये आर्जोनाई करके ब्रांड की। तो अंदर से कुछ इस तरीके से पैक होके आई है, रिटेल करती है 269 रुपीज़ की। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैंने दो तीन बार इसको वेयर किया हुआ है। जो फर्स्ट चेन है ना उसमें आपको मिलता है एक पिंक कलर का बटरफ्लाई और एक बेबी गर्ल। इसमें काफ़ी तरीके से लेटर्स थे, एंजल था उसमें, ब्लू कलर था आई गेस बटरफ्लाई का कलर। तीन चार तरीके के वेरिएंट्स थे इसमें भी। बाय द वे ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है मीशो की तरफ से, मैंने खुद के पैसे से ही लिया है सब कुछ। तो नेक्स्ट जो दूसरी जो चेन है ना वो काफ़ी प्रीटी सी चेन है, मैंने इसको एक दो वीडियोस में पहना भी हुआ है। तो कुछ इस तरीके की ये चेन है, तो एक साइड आपको मोती मिलते हैं और दूसरी साइड एक सिंपल सी बड़ी वाली चेन है। और नीचे पेंडेंट में आपको
शेल मिलता है, तो आपको क्या करना होता है, आपको ये वाली जो स्टिक है ना ये होल के अंदर डाल देनी होती है, जस्ट इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं कि कितना प्रीटी लगता है। तो ये वाला जो नेक पीस है ना वो रिटेल करता है 239 रुपीज़ का। इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, मस्त है। मैंने इसको भी 2-3 बार वेयर किया और मैंने ट्राई कर लिए थे इसके प्रोडक्ट्स, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर ली कि मुझे पता चले कि ये वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वर्थ है या नहीं, पर काफ़ी अच्छे था। देन मैंने एक शर्ट लिया था मेरे भाई के लिए, सो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने उसको बर्थडे प्रेजेंट में दे दिया है और वो अभी यहाँ पे भी नहीं है। सो मैंने कुछ इस तरीके का शर्ट लिया था उसके लिए, ब्लैक एंड वाइट कलर का, तो ग्लीफ की डिज़ाइन है, कुछ इस तरीके का ये शर्ट है। और ये मैंने लिया था, मैंने 416 रुपीज़ का लिया था और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये कॉटन फैब्रिक का था, मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे अगर उसका कोई पिक मिलेगा ना उसका वेयर किया हुआ तो मैं वो स्क्रीन पे डाल दूँगी, तो आप देख लेना कि कैसा लग रहा है, पर वो मेरे पास अभी है नहीं। सो मेरे पास एक और प्रोडक्ट है जो यहाँ पर मेरे पास है नहीं करंटली, वो फॉल बेडिंग के लिए गया हुआ है और मुझे ये वीडियो शूट करनी थी तो मैंने सोचा कर ही लेती हूँ। तो मैंने एक बनारसी कांजीवरम सिल्क साड़ी ली है मेरी मॉम के लिए, तो उनको साड़ीज़ पहनना ज़्यादा पसंद है, वो ड्रेसेस नहीं पहनती, वो साड़ीज़ ज़्यादा प्रीफर करती है। तो मैंने कुछ इस तरीके की उनके लिए कांजीवरम साड़ी ली थी, तो ये वाइट एंड गोल्डन और रेड के वर्क में आती है, इसमें बहुत अच्छा केरी का वर्क है और डॉट्स है गोल्डन के, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आ जाएगी घर पे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक तो मैं इसका ट्राई एंड हॉल शायद डाल दूँगी, अगर नहीं आई होगी तो मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, तो आप देख लेना। और तो ये वाली जो सिल्क साड़ी है ना वो मैंने 635 रुपीज़ के ली थी, पर वर्थ है, मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको एक कांजीवरम साड़ी लेनी थी ना, तो चलो ले लेते हैं। तो मैंने मॉम के लिए वो कांजीवरम साड़ी ली थी, इसमें बहुत तरीके के कलर्स थे। ये हमने ऑफ वाइट वाला लिया था, ऑफ वाइट वाइटिश स्टोन वाला, इसमें आपको क्रीम भी मिलता है, ब्लैक एंड रेड का भी कॉम्बो मिलता है, सो काफ़ी तरीके से कलर्स थे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। देन जो लास्ट सेकेंड प्रोडक्ट है जो मैंने अपने लिए लिया है वो है कुछ इस तरीके का ये टॉप। तो मैंने दिसंबर में लिया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला टॉप काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा था, तो मैं इसकी पिक्चर स्क्रीन पर डाल दूँगी। तो ये है 586 रुपीज़ का, पर यह अभी बहुत सस्ता है, मैंने देखा था 300 के अराउंड ही आपको ये वाला टॉप मिलता है। सो कुछ इस तरीके का ये नेट का टॉप है और इसमें रफल्स है। सो ये ऑफ शोल्डर मैंने अपने लास्ट वीडियो में या फिर इसके बाद का जो वीडियो आएगा ना उसमें मैंने ये वाला टॉप पहना है। सो काफ़ी अच्छा है और इसकी स्लीव्स भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीटी लगती है। और नीचे से आपको बस्ट एरिया के नीचे से आपको कुछ इस तरीके का इलास्टिक मिलता है, तो अच्छे से लगता है। और अंदर की साइड, क्योंकि नेट है ना, तो अंदर की साइड आपको कुछ इस तरीके की लाइनिंग मिलती है, सो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, मुझे काफ़ी पसंद आया और ये कलर भी मुझे पसंद आया। इसमें काफ़ी तरीके के शेड्स थे, इसमें ब्लैक, पर्पल, पिंक, येलो, वाइट आई गेस था, काफ़ी सारे शेड्स थे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने साइज़ जो ली है वो है, इसमें फ्री साइज़ आती है आई गेस, हाँ फ्री साइज़ है ये वाली। सो मैंने ये वाला टॉप लिया है, अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, मैं इसका भी कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन। मुझे जो शॉपिंग मैंने की ना इस बार मुझे काफ़ी पसंद आई, मैं काफ़ी खुश हूँ मीशो से, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था पर मुझे काफ़ी पसंद आया। सो यार गाइस दैट्स इट, यही था मेरा आज का मीशो हॉल। आई होप कि आपको आज का मेरा जो मीशो हॉल है वो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।